दोस्तों इंस्टाग्राम एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ ना सिर्फ अपनी फोटोज को शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं और स्टोरीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जी। दोस्तों इस मुनासबत से यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ज्यादा वीडियो मौजूद हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप एक दिन में लाखों फॉलोअर्स पा सकते हैं। क्या दोस्तों वाकई ऐसा पॉसिबल है, ये वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों मैं हूँ आतिफ मजीद एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ वर्कपो, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आप इंस्टाग्राम पे अपने लाखों की तादाद में फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप लाखों की तादाद में फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ऑटो लाइकर या फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप एक दिन में 50 या फिर 100 तक फॉलोअर्स ज़रूर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कि वो आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरह उनके जीरो से मिलियन की तादाद में फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो इंस्टाग्राम में इंस्पेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपके इंस्टाग्राम के स्टैटिक पेज के ऊपर आप अपने फॉलोअर्स को चेंज करके मिलियंस की तादाद में कर सकते हैं। ना कि सिर्फ फॉलोअर्स बल्कि इसके साथ साथ आप वेरिफिकेशन बैज भी ऐड कर सकते हैं, और जब आप उस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा और सेम जैसे पहले फॉलोअर्स से वैसे ही हो जाएंगे, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रूफ दिखाते हैं। दोस्तों अब आपको इस चीज़ का नॉलेज तो हो ही गया होगा कि यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोज़ में किस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से आपको अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करके विद प्रूफ दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या आपको मुख्तलिफ ऑटो लाइकर्स या फिर ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों अगर मैं आपको मशवरा दूं, अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कभी भी इन ऑटो लाइकर्स और ऐप्स का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि इससे आपके अकाउंट की प्राइवेसी जो है वो रिस्क के ऊपर है और आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो किसी और के यूज़ में जाए। दोस्तों अगर आप किसी भी ऑटो लाइकर या फिर मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते भी हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा कि जब भी आप किसी ऑटो लाइकर या फिर ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एक लॉगिन पेज देंगे जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे जी। दोस्तों जब आपने अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो इस वेबसाइट में ऐड कर देंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपका जो इंस्टाग्राम का कंप्लीट कंट्रोल है वो इस वेबसाइट या फिर इस ऐप के पास चला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कभी भी इन ऑटो लाइकर का इस्तेमाल ना कीजिए। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप अगर ऑटो लाइकर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो किस तरह आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो है वो गेन कर सकते हैं और आपकी इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी जो है वो भी रिस्क पे ना रहे। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं और इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि आप किस तरह ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। There's something special about your love. I'm gonna